अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक इलेक्टिव रिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है क्विक एनर्जी चेकिंग योर पर्सन। कीप इन माइंड, एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है इस वक्त लेके आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, और वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त किस एनर्जीज में हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। पेज ऑफ सोर्स, तो ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, इसे आपसे बात करनी है। ये इंसान आपसे बात करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो वाली एनर्जी इस इंसान की है। ये इंसान आपको एक एवरी सिंगल मूव पे नज़र रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितनी आप पहले दिया करते थे, या आप इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना पहले दिया करते थे। कुछ जेलेसी वाली वाइब्स भी हैं इस इंसान की तरफ से। अगर आप लोग इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली गाइस, इन्होंने फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, आपको सर्च करते रहते हैं, आपके बारे में पूरी पूरी जी खबर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये इंसान थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में, एज में छोटे हो सकते हैं। फीमेल यहाँ पर बड़ी नज़र आ रही है, और जो मेल है वो किसी किसी के लिए छोटा नज़र आ रहा है। एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जस्टिस, इस इंसान आपको इस इंसान से जस्टिस चाहिए गाइज़। आप जो है इस इंसान की तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है दूर इसलिए हो गए थे कि आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते थे, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना नहीं चाहते थे। एक जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ऑनलाइन ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो इस इंसान को, सम ऑफ यू, ठीक है, और जो आप लोग फेस टू फेस जानते हैं, और जो ऑनलाइन मिले, हो सकता है वो मुश्किल ही डेट इन्होंने कीप कर पाई हो एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन जो हैं किसी किसी के लिए, ये हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर हैं, ये जज हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, इनको ऑर्डर पास करना आता है, किसी की ऑर्डर में नहीं आने वाले। ये इंसान अब आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है, भले जो भी सिचुएशन हो, मैरिड हो आप इनसे, अनमैरिड हो, एज अ रिलेशनशिप में हो आप इनके साथ, जो भी सिचुएशन है आपकी, ये इंसान जो है आपको अब जस्टिस देने के लिए रेडी है। और मैरिड पर्सन के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है इनके साथ, तो आप जो आप चाहते नहीं हैं कि ये इंसान आपको डिवोर्स दे या आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, ये इंसान सोच समझ के फैसले लेने वाले, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनने वाला इंसान है। आप लोगों की रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं मुझे। स्टिल टू ऑफ पेंटिकल, ये इंसान किसी दो सिचुएशंस में जगल कर रहा है, इसने जगल कर करके अपने आप को जोकर बना दिया, क्लून सा बन गया है ये इंसान। ना ये इंसान आपको रख पा रहा है, ना ये इंसान आपको छोड़ पा रहा है, इसकी दुनिया ही अपसाइड डाउन हुई हुई है गाइस। देखें पीछे जो है वेव्स हैं, और उसमें दो शिप्स हैं जो कि अपसाइड डाउन है, और ये इंसान खुद एक पाँव पर खड़ा हुआ, दो चीज़ों को पीछे शिप्स हैं, और देखें गाइस अपसाइड डाउन हो रही है यहाँ पर, और ये इंसान एक पाँव पर खड़ा हुआ है और दो सिचुएशन में जगल करने की कोशिश कर रहा है। ये इस इंसान के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इस इंसान का सारा फोकस अपने कैरियर पर है, तो कैरियर भी थर्ड पार्टी होती है। वो चीज़ जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है वो थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो इनका कैरियर हो, चाहे वो इनकी जॉब हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। लेकिन ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक हैप्पी मैरिज लाइफ देखता है, लेकिन इसका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है किसी चीज़ से। देखें गाइज, यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन नज़र आई हैं, ये कार्ड्स मैंने देखे हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं सबको मैसेज डिलीवर करूँगी यहाँ पे। अगर आप इस इंसान से, आप लोग सिंगल हैं और सिर्फ आप लोग इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, ये इंसान आपके साथ शादी करके सेटल डाउन होना चाहता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है इसके घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हों कि इसकी पसंद, उनकी मर्ज़ी से इनकी शादी हो, या ये वहाँ पर रिश्ता अपना देखें, और ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, और यही रीज़न आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन का हुआ है, ठीक है।
और आप एक रीज़न ये है कि अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं तो इसकी लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का आना यहाँ पे ये बात इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिड पर्सन के लिए बता रही हूँ मैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू अब पता चल रही है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप लोग सिर्फ कमिटमेंट, इस इंसान से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बस यूँ आपको चुटकियों में ये इंसान कमिटमेंट दे देगा, नो गाइज, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को। ये इंसान ने, अगर इस इंसान ने आपको मिस ट्रीट किया था, मिस बिहेवियर था इसका, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में अगर रहा है तो ये इंसान उससे आपके साथ अपोलोजाइज करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। इसके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे दो पेजेस का आना ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन अगर मैच्योर भी हैं तो वो बच्चों वाली हरकतें करते होंगे आपके सामने, इमैच्योर एनर्जी में रहते होंगे। ये इंसान है तो एम्परर, लेकिन ये ऐसा प्रटेंड करता है कि मैं जो है बस वो जूली टाइप पर्सन हूँ, ठीक है रिलेशनशिप में चलते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा वाली एनर्जी होगी। और किसी किसी के लिए हो सकता है यहाँ पे फीमेल जो, सॉरी जो मेल है वो एज में छोटे हो सकते हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन बी केयरफुल, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये इंसान आएगा और आपको कमिटमेंट दे देगा। अगर इसकी शादी भी कहीं और हो गई है, इसका रिलेशनशिप किसी और के साथ हो गया है, जो भी है, ये इंसान उस सिचुएशन में आप खुश नहीं है, ये जगल कर रहा है, आपको भी नहीं भूला है और उस सिचुएशन को भी नहीं भूला, इसलिए इंसान आपको सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है, उस सिचुएशन से निकल के आपको अप्रोच करना चाहता है, भले मैरिड हो अनमैरिड हो। क्योंकि हो सकता है ये इंसान, आपने इस इंसान से इसलिए वॉक अवे कर लिया कि ये इंसान, इस इंसान की शादी हो चुकी थी, इसको प्रेशराइज करके शादी की गई थी, लेकिन ये इंसान ने शादी तो कर ली इस इंसान ने, जो भी पर्सन है, लेकिन ये इंसान उस सिचुएशन में खुश नहीं है, ये इंसान आपके साथ होना चाहता है। और अगर इसने आपके साथ धोखा किया है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है, तो अब ये इंसान आपकी तरफ माफ़ी लेके नामा लेके आना चाहता है, क्योंकि ये आपको किसी और को होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि ये इंसान आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए ये आपको सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है और आपके एवरी सिंगल मूव पर ये इंसान नज़र रखता है। और देख लेते हैं आप दोनों के बीच में जो इधर है, ये रिवर्स में आया है, आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज थे, आप दोनों ने ही एक दूसरे को जो है इस लव को जो है एक बैटल बना लिया था, ना आप पीछे हटने वाले थे ना आपके पर्सन पीछे हटने वाले थे, आप दोनों ही चाहते थे कि ये जंग मैं जीत जाऊँ, आपने मोहब्बत को जंग बना लिया था। अब आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके पास आए तो अब आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, वो सब ख़त्म हो जाए, ये अपना एंगर जो है इशू है जो है इनके गुस्से वाले थोड़े से पीछे रख के आपकी तरफ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब इन्हें आपकी वर्ड समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप का भी कार्ड निकल गया है, आप जैसा इस इंसान के लिए फील कर रहे हैं सेम टू सेम आपके पर्सन भी आप के बारे में वैसा ही फील करते हैं। ये इंसान इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। देखें गाइस, अगर आप लोग मैरिड पर्सन हैं, इनके साथ आप मैरिड थे, तो ये इंसान इस रिश्ते में वर्क करके आपको इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कल्चर डिफरेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कास्ट डिफरेंट नज़र आ रही है, आप लोग डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ये आपको समझाना चाहता है कि आप इसके लिए कितना प्रेशियस हैं, आपको ये चीज़ इंसान समझाना चाहता है ये चीज़। और मुझे ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है, ये इंसान ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे 7 of 5 of Swords देख लूँ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान था, घमंडी इंसान था, कंट्रोल करने वाला इंसान था, दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर फीमेल थी तो इनकी जो है मेल वाली एनर्जी थी, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की होंगी। तो अब ये इंसान को आपकी वैल्यू और वर्थ समझ में आ गई, अब ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा तो ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, ये हील कर रहा है सिचुएशन को, इसे लगता है कि इसने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इसके लाइफ से चली गई है, बहुत ज़्यादा मिस वाली एनर्जी है, रिग्रेशन वाली एनर्जी है, लॉस्ट वाली एनर्जी है। अगेन 5 of Wands का कार्ड निकल के आगे, लगता है कि ये इंसान आपको इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन अब ये इंसान रेडी है इस चीज़ के लिए। देखें गाइस, 10 of Cups का कार्ड भी निकल के आ गया है, ये अगर मैरिड हैं, इनकी शादी हो गई है, बट एवर जो भी सिचुएशन है, ये इंसान
आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आप इस इंसान के लिए फॉरबिडन फ्रूट्स हैं जो कि ये इंसान कभी भूल नहीं पाएगा आपको। आप लोगों के बीच में सिचुएशंस तो सारी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये इंसान कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, कभी आपको इस रिलेशनशिप में सीरियस कमिटमेंट नहीं देगा, कभी आपकी तरफ ऑफ़र लेकर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको ऑफ़र देगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान अब आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है आपके लिए, क्योंकि ये इंसान आपकी वैल्यू और वर्थ जान चुका है। लेकिन देखें, अगर मैं आपको कहती हूँ ये इंसान चेंज होकर आएगा, नो गाइस, ये आपको कंट्रोल ही करके रखेगा, शादी हो जाएगी तो ये आपके ऊपर पूरा पूरा होल्ड रखेगा, ठीक है। आपको ये बात अपने जहन में रखनी है, लेकिन प्यार है इसके दिल में, बहुत ज़्यादा केयर है, अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसेसिव है ये इंसान, किसी को आपके साथ नहीं देख सकता है। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये इंसान राइट टाइमिंग का वेट कर रहा है, अपनी शिप का वेट कर रहा है वापस आने के लिए। इसके पास अगर पास में ऑप्शंस थी तो वो, क्योंकि रिवर्स में आया है, ये ड्रॉप करके आपको अप्रोच करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लें। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आप रिजेक्ट ना करें इनको, ये वाली एनर्जी से इंसान की है। ये रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करें। आपके ऊपर आप जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप इस सिचुएशन पे। ये इंसान आपसे जो है ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। आप इसको समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह से आपको अप्रोच करे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जो भी इसने पास में किया है। कुछ चीज़ें हैं इस इंसान ने छुपाई हैं, या फिर आप दोनों के बीच में मदर इशूज़ भी हो सकते हैं, तो ये इस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, और क्या किस एनर्जीज में है ये इंसान आपको लेके। गाइस, मैं रमज़ानुल मुबारक तक, रमज़ान तक मैं शॉर्ट रीडिंग ही बनाऊंगी, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे साथ। वेडिंग, तो ये सिचुएशन जो है इन्वॉल्व है मैरिज, दिस सिचुएशन इज इन्वॉल्व मैरिज, तो यानी कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो गई है, तब भी ये इंसान आपको भूला नहीं है, आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ दोबारा से रिकैंडल करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। ट्रस्ट, आई नो इट, मैं ये सब कुछ जान गई थी कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। यहाँ पे मेल जो, फीमेल एनर्जी जो है वो मेल पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, और मेल जो है वो चाहते हैं कि ये भी आपके ऊपर ट्रस्ट करें, सिचुएशन को आगे लेके जाएं, सोच समझ के आप इस रिलेशनशिप में वर्क करें, फैसला करें, जो भी है दोनों ही यही चाहते हैं। आप अनरिक्वायर्डेड लव, आप जानते हैं कि एक तरफ़ा प्यार नहीं था, ये केमिस्ट्री एक तरफ़ा नहीं थी, अट्रैक्शन एक तरफ़ा नहीं थी। आपके पर्सन भी आपके बारे में उतना ही फील करते थे, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है, ये अनरिक्वायर्डेड लव नहीं था, इसका सिला आपको मिलेगा। गाइज, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एरिस लियो सजिटेरियस के महीने में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर जो साइन निकल के आए हैं वो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी निकल के आए हैं, स्पेशली हैवली लिब्रा निकल के आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, तकरीबन सारे ही साइन निकल के आए हैं यहाँ पे। इस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, इस एनर्जी, ये एनर्जी इस इंसान की। अब इस इंसान को रिग्रेशन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है ये इंसान कि इसने ऐसा क्यों किया है। बॉटम ऑफ द डेक है अट्रैक्शन, यही चीज़ आपको एक दूसरे के करीब लेके आएगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं। आप देख लेते हैं कि इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। गर्ल विद अ स्नैक, ये इंसान जो है आपको अपना चार्म यूज करके, आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन ये अपना चार्म यूज करेगा आपको अपनी लाइफ में जो है रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड भी आपके इसमें निकल के आया है, सेम मेडिशन वाली एनर्जी है। द बटरफ्लाई रिलेशनशिप इवॉल्विंग इन टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, तो हो सकता है इस इंसान को जो है चाइल्ड हुड वूंड्स हों, लेकिन ये इंसान अब चेंज चाहता है आपके साथ, ठीक है, इस रिलेशनशिप में न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, नेक्स्ट फेज पे लेके जाना चाहता है। इसकी इंटेंशन में यही है कि ये इंसान आपके ऊपर ट्रिक्स इस्तेमाल करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, चेंज करके। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, तो आपको और मजीद जाना चाहते हैं, सबसे कॉल या टैक्स मिलने वाला है। पाम ट्री ये बताता है कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, सिक्योरिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है ये इंसान, लव। कोई डाउट नहीं कि ये इंसान आपसे प्यार करता है,
वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टूगेदर परफेक्ट। तो ये इंसान अपने आप को आपसे परफेक्ट, इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है गाइस, पॉजिटिव माइंडसेट पे है ये इंसान आपको लेके, लेकिन थोड़ा सा शर्मिंदा है, थोड़ा सा डरा हुआ है ये इंसान। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।